नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आप ये देख रहे हैं, ये पौधा जो है ये है चांदनी, ड्वार्फ वैरायटी चांदनी, सिंगल चांदनी जो ड्वार्फ वैरायटी होती है, जिसको आजकल हेज के रूप में भी लगाया जाता है और इसको आप अपने गमलों में भी लगा सकते हैं। तो गमले के लिए देखिए, ये 10 इंची का गमला हमने लिया है, प्लास्टिक का मिल्टन का गमला है 10 इंची का, इसमें हम इसको लगाने वाले हैं। और ये परमानेंट पौधा है, बहुत बढ़िया चलता है, ये फ्लावरिंग के साथ साथ हरियाली जो है, ग्रीनरी इसकी बनी रहती है। तो इसको आप अपने गमलों में लगा सकते हैं। उसका मैं पूरा तरीका बताता हूँ कि क्या हम ऐसा फर्टिलाइजर डालें कि ये जो फूल है, फूलों से पूरा भर जाएगा। ये देखिए, ये थैली में लगा हुआ है, 6 इंची की थैली में लगा हुआ है और काफ़ी दिनों से इसमें है। तो आज हम इसको इससे रूट बॉन्ड से मुक्त करेंगे इसको, कि किस तरह से मुक्त होता है। देखिए, ये हमने निकाल के खींच दिया और ये देखिए, जैसे बरसात का टाइम है, इसके ग्रोइंग पीरियड जो है स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इसको जगह न मिलने की वजह से इस थैली में बॉन्ड था ये, और इसकी रूट्स नई नई निकल रही हैं, बट फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। अब इस गमले में लगते ही देखेंगे, विद इन 15 दिन के अंदर ये जो है एकदम हरा डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, और जबरदस्त फ्लावरिंग होगी। बस इसको करना क्या होगा, आपको सर्दियों में थोड़ा सा सर्दी से बचाना होगा कि खराब ना हो जाए। तो ये देखिए, ये हमने इसमें थैली में से निकाल लिया, आपने जड़ें देख ली कितनी जबरदस्त है। ये मिट्टी ले लिया हमने, ये गमला ले लिया। और उससे पहले मैं बता दूं कि गमले में जरूर 2 होल नीचे करके रखें। और एक चीज और गौर करने वाली है, गमले में हम कभी यहाँ होल नहीं करना चाहिए, होल के लिए यहाँ भी दिया हुआ है प्लेस, इस पे होल नहीं करना है, होल आपको इस पोर्शन में करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा, क्यों आखिर क्यों हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? ये जो पोर्शन है हमारी मिट्टी के ऊपर ऐसे टिक जाएगा, जब इसमें हम होल करेंगे और प्लेन सरफेस पे रखेंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। तो यहाँ से जो पानी है और गैस है वो हमारे गमले का निकल नहीं पाएगा, पौधे हमारे सफ़र करेंगे। और यहाँ हम सुराख करेंगे तो जब हम इस तरह से रखते हैं, इसको देखिए, तो ये पोर्शन उठा हुआ है और ये जो चारों साइड का एरिया दे दिया है, ये 3 होल कर दिए हैं इस तरह से, मतलब 3 बनावट ही ऐसी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है कि यहाँ से जो एरेशन है वो जाती रहे और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो भी यहाँ से जैसे जैसे पड़ा हुआ है तो इसके साथ ये निकलता रहेगा। तो इसलिए आपको होल क्या करना है, इस वाले ऊंचे वाले पोर्शन पे करना है, तो इसका ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो ये रिजर्वायर बन गया, इसमें थोड़ी मॉइस्चर, मिट्टी, पानी जो है वो पड़ा रहेगा। अगर 2 दिन पानी नहीं भी डाला तो पौधा का जो मॉइस्चर है वो यहाँ से मिलता रहेगा। तो ये देखिए, इतने सारे बेनिफिट हैं हमें इसको देखने के, भी कैसे गमले को हमें होल करना है, कहाँ से करना है और कैसे रखना है। अब ये टिपरी जो है, टेपर है, इसको हमने ये रख लिया, ये देखिए, ये रखेंगे ऐसे। और ये हमारी तैयार मिट्टी है जिसमें हमने आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, पोटास, लीप कंपोस्ट सभी कुछ मिला दिया। ये देखिए, ये जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो जितने वाइट फूल वाले हैं उसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा चाहिए होती है। ये हम देखिए कार्बन डालने वाले हैं और ये नीम खली डालेंगे, ये रेत की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा देखिए, ये लीफ कंपोस्ट है, तो हमें इसमें सब मिक्स है और जब डालेंगे तब भी थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर। तो ये देखिए, ये मिट्टी हम इसको ऐसे आराम से रखेंगे ताकि जो हमने टिपरी रखी थी वो टिपरी हमारी डिस्टर्ब ना हो, टिपरी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए हमें बड़े आराम से रखना है। देखिए, ये लीफ कंपोस्ट हमारा जो मिला हुआ है इसके बीच में, अब इसको इतना करने के बाद हम देखेंगे रख करके क्या ये सही पोजीशन है। आई थिंक कि बिल्कुल एकदम राइट पोजीशन पे आया है, इतना हमारा होना चाहिए। तो हम इसको तोड़ेंगे नहीं, मिट्टी सही है, रूट अच्छा चल रहा है इसमें, तो हमने ये डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा जो लीफ कंपोस्ट है हमारा, एक मुट्ठी इसकी जड़ों के बीच में यहाँ डाल देंगे। अब हम इस पौधे को ऐसे रख दिया हमने, देख लेंगे सीधा है या नहीं। अब हम इस मिट्टी को चारों साइड में बराबर मात्रा में डालेंगे सेंट्रलाइज करके, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, एक मुट्ठी कैल्शियम को ये देखिए इस तरह से ऐसे डालें, और दूसरा हम ले लेंगे, ये नीम खली ले लिया, नीम खली को 2 मुट्ठी डाल देंगे हम। तीसरा हमने कार्बन डाल देना है 1 मुट्ठी, ये देखिए, ये कार्बन डाल दिया। अब 4 मुट्ठी लीफ कंपोस्ट की डालेंगे, ये क्योंकि ये पौधा अच्छा चलता चलाता है तो इसमें हम डाल सकते हैं। ये हमारा डल गया 3, और ये 4 मुट्ठी हमने लीफ कंपोस्ट की डाल दी, जो कि बेस्ट न्यूट्रिशन होता है।
अब हमने इसको मिट्टी से ऐसे ढक देना है। ये देखिए, तो ये हमारी मिट्टी ढक गई और हमने जो है जगह छोड़ी कितनी है, सिर्फ 1 से 1.5 इंची जगह ही हमने इसमें छोड़ी है। ज़्यादा नहीं छोड़ना है कि ज़्यादा पानी का स्टेग्नेशन हो जाए। ये देखिए, ये पौधा हमारा लग के तैयार है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, कितना डालेंगे, लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी डलेगा और ये इसके अंदर ही रह जाए कोशिश करनी है, नहीं तो गमले से पानी बाहर आएगा नीचे से तो इसका न्यूट्रिशन सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा जो ड्वार्फ वैरायटी का चांदनी होता है, सिंगल चांदनी, उसको लगाने का तरीका है। तो ये देखिए, हम पानी डाल रहे हैं, 1 से 1.5 लीटर पानी इसके अंदर डलेगा और ये इसके लिए सफिशेंट होगा। अभी तो हमने ये पानी डाल दिया, अब देखिए कि विद इन अ मिनट ये कैसे जो है स्वीप कर जाएगा। विद इन अ मिनट पानी, वेल ड्रेन सॉइल हमने बनाई है तो विद इन अ मिनट ये पानी सारा का सारा स्वीप कर जाएगा। आप अपने वॉच के साथ देख सकते हैं इसको कि 1 मिनट के अंदर ये सारा पानी गमला अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये फिर पौधे में जो हमने न्यूट्रिशन डाला है वो डिजॉल्व होके पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा। और 1 महीने बाद ये पौधा आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही है जो हमने अभी लगाया था 1 महीना पहले या दूसरा है। तो इस तरह से लगाइए और अपने पौधों में भरपूर ग्रीनरी, भरपूर फ्रूटिंग या भरपूर फ्लावरिंग ले सकते हैं दोस्तों। और इसमें आपको मैं दिखाऊंगा, रिव्यू जरूर दिखाऊंगा इसका अपडेट, और वो 1 महीने बाद दिखाऊंगा कि किस तरह ये फूलों से भरा मिलेगा आपको। तो धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें ताकि आगे भी लोगों तक जानकारी पहुंचती रहे।